नमस्कार दोस्तों, बकरी पालन के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज आप देख पा रहे हो अभी अभी जो है गॉट की डिलीवरी हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा दाना डाल रहा हूँ। दाना में मैंने मक्का दिया है, थोड़ा सा गेहूँ लाया हुआ है और भी जो आयोडीन के लिए जो नमक की मात्रा होती है उसमें ये भी मैंने थोड़ा सा इसको खिला रहा हूँ फिलहाल। तो ये मक्का जो है मैंने इसको डाला हुआ है, डिलीवरी इसकी हो चुकी है। तो पेट में जो बच्चे थे वो वहाँ बाहर आ चुके हैं। तो पेट हमेशा गॉट का जो है खाली होता है। जब भी किसी गॉट की डिलीवरी हो जाती है तो उसका पेट जो है हमेशा खाली हो जाता है। और इसका जेर जो है अभी तक नहीं गिरा है, उसके लिए मैंने इसको जो है जेर गिराने के लिए जो है नेचुरल तरीके से जेर जो है इसका अपने आप गिर जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे गिर जाएगा। तो उससे पहले मैं बता दूँ आपको, यह इसकी जो है नॉर्मल डिलीवरी हुई है और दो मेल बच्चे जो है अभी तक आए हुए हैं। और इनका जो है थोड़ा सा जोड़ून दाखो वीडियो ये सब लोग, इसका जो नील हमने कट कर दिया है। अब इसको लोग कहते हैं कि कितना बड़ा कट करना है, तो मैंने लगभग हमारा जो उंगली का साइज होता है लगभग दो इंच तक आप इसको कट कर सकते हो। और ध्यान रखना है कि इसका पैर वगैरह जो है गॉट के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। दोनों के दोनों जो है मेल बच्चे है। वजन की बात करें तो वजन जो है सही है, लगभग सही वजन के साथ जो है मैम ने बने हुए है ना, वजन भी इनका सही है। तो ये दो मेमने जो है मेल बच्चे है, नील भी इसका सही तरीके से कट किया है। ना ही मेरे पास वो कोई टेक्चर आयोडीन लगा है इसको, ना ही धागे से कट करा गया है इसको, ना ही ब्लेड से कट करा गया है। ये बस नेचुरल तरीके से जो है इसको कट कर दिया है। तो ये बच्चा है, इसको अभी मैं दूध पिला दूँगा। अभी बकरी ने जो इसको साफ कर लिया है अच्छे से, बस इसको जैसे निकाला तो बोरी पे मैंने रख दिया है, क्योंकि नीचे जो है मिट्टी कंकड़ पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इसका इन्फेक्शन जो इनको हो सकता है। तो नीचे छोटा सा बोरी बिछा दिया है और इनको डाल दिया है यहाँ पे। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, और ज़्यादा अपने को साफ करने का ज़रूरत नहीं है। बकरी जो है फीमेल गॉड जो है इसको अपने आप साफ कर लेगी। फिलहाल उसका जो अडर है और उसके जो निप्पल है तो उसके ऊपर खून लगा हुआ है, तो उसको मैं साफ करवा लूँगा। और जेर गिराने के लिए सिंपल तरीका बताता हूँ मैं। जो गॉट है जिसकी डिलीवरी हुई है, सबसे पहले उसको कुछ ना कुछ आप खाने में खिला दो, जैसे मैंने यहाँ पे खिला दिया है। तो मक्का गेहूँ जो भी आपके पास अवेलेबल होता है तो वो आपको खिला देना है। उसके बाद वो पानी पिएगी, भरपेट पानी पिएगी, पेट में कुछ है नहीं। तो अगर पेट में कुछ हम खाना खिलाते हैं, पानी पीते हैं, तो उसके बाद जो अपने आप गिर जाता है। और जिनका नहीं गिरता है वो एक तो थोड़ा सा जीरा और गुड़ लेना है आपको 20 से 25 ग्राम, और उसको खिला देना है। तो उससे जो आपकी गोट का जो है बिल्कुल जेर गिर जाएगा। मेरे पास जो है कुछ मक्का इसमें है तो मैं खिला रहा हूँ गोट को। अभी जो भी मैंने थोड़ा बहुत लाया हुआ है घर से, तो मैं खेत में हूँ अभी फिलहाल। इसका जो सफलतापूर्वक, तो इस तरीके से जो है आप अपनी गॉट का जो है डिलीवरी करवा सकते हो। बाद में अगर जेर की समस्या बिल्कुल नहीं आती, अब इसको मैं थोड़ी देर में थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी करूँगा। फिलहाल अभी टेम्परेचर ज़्यादा है तो गुनगुना पानी बनाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप जो है गुनगुना पानी अपने पास अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपको करना है, अब इसको जो अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। और ज़्यादा वो नहीं है आपको, वो करना है पीपी लेना है, पोटेशियम पर मैगनेट, छोटा सा पैकेट आता है 24 रुपये का। तो उसको आपको क्या करना है, चुटकी सा लेना है, मतलब 15-20 दाने लेने हैं आपको, 1 लीटर पानी में डालने हैं, या फिर बाल्टी में थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दो, ज़्यादा नहीं डालना है आपको। तो ब्लू कलर हो जाएगा, उसको अच्छे से साफ करके उसको साफ कर लेना है पानी डाल के, ठीक है। ये सिंपल सा काम आपको करना है, इससे जो है इन्फेक्शन वगैरह दूर हो जाएगा। और आपको जब भी गॉट कोई ब्याती है तो जो पहला दूध होता है, खीस बोलते हैं उसको कुछ लोग अलग अलग नाम से, अलग अलग एरिया में उसके अलग अलग नाम है, तो वो आपको पिला देना है, आधे घंटे के अंदर पिलाना है वो। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आधे आधे घंटे के अंदर आपको पिलाना है। तो इसको 15 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं और 5-10 मिनट वेट करूँगा। जैसे वीडियो ख़त्म होता है तो मैं इसको दूध पिला दूंगा। तो इस तरीके से आपको जो सफलतापूर्वक डिलीवरी बकरी की जो करवा देनी है। अब मैं जो इसको पानी वगैरह पिला दूंगा,
तो ये था दोस्तों, थोड़ा छोटा सा वीडियो में आपको बता दिया हूँ किस तरीके से करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। कल भी जो है लाइव आने वाला हूँ, तो कल चर्चा करेंगे किस किस टॉपिक पे चर्चा करना है, तो आप एक बार मेरे को कमेंट करके बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।